चुन चुन के खास पेशकश हमारी इस गिरते बाजार में, कहीं कुछ खरीदारी करने के मौके हैं, खरीदारी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ऐसे बाजार में चुनने के लिए शेयरों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ये स्ट्रेटजी भी समझेंगे आज हम आस्था जी से। आस्था जी, अब आखिरी सेगमेंट है हमारा, बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि अब आप बताइए कि कहाँ पे इस समय खरीदारी की जा सकती है, आपकी टिप्पणी क्या होगी, और इस तरह के बाज़ार में जब आप शेयरों को चुनती हैं तो क्या कोई स्पेशल स्ट्रेटजी रहती है, किस वजह से चुना आपने ये शेयर? मुझे तो फंडामेंटल्स देख के चुनना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अंततः फंडामेंटल्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो मेरे हिसाब से वापस से शेयर देर सवेर ठीक हो ही जाता है। तो उसी तर्ज पे एक काउंटर पसंद आता है, ओबेरॉय रियलिटी। रियलिटी सेक्टर भी अभी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, उसमें ये ओबेरॉय रियलिटी को मैं खरीदारी करने की सलाह दे रही हूँ। आज चुन चुन के सेगमेंट में सिर्फ एक ही काउंटर के साथ जा रही हूँ, क्योंकि मार्केट्स इतने खराब है कि मैं यहाँ पे दो तीन शेयर्स नहीं देना चाहती हूँ, थोड़ा संभल के ही आज कॉल देना चाह रही हूँ। तो ओबेरॉय रियलिटी की बात करें तो यहाँ पे भी खरीदारी अभी ना करें, थोड़ी गिरावट पे करें, और 1900 के आसपास अगर खरीदेंगे यहाँ से 40-50 रुपए नीचे तो और भी अच्छा रहेगा। तो खरीदारी करेंगे 1900 के आसपास, 1710 के स्टॉप लॉस के साथ, 2120 2150 के लक्ष्य के लिए। लेकिन ये मीडियम टर्म टारगेट्स हैं, शॉर्ट टर्म में ये टारगेट्स नहीं दिए जा रहे हैं, इसका खास ध्यान रखें। मीडियम टर्म व्यू है जिसमें की समय सीमा 1 महीना उससे अधिक रह सकती है, तो ये कॉल उस हिसाब से दी जा रही है। चलिए, तो 1 महीना या उससे कुछ अधिक, क्या ये बताया आपने मैम? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी मार्केट खराब है तो हाँ इतनी बिल्कुल जल्दी बिल्कुल। टारगेट आने का कह नहीं सकते, थोड़ा नहीं, जल्दबाजी होगी। और इस तरह के बाज़ार में बहुत शॉर्ट टर्म व्यू लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह का पैनिक है, जिस तरह की वोल्टेलिटी है, ऐसे में आज खरीदो कल बेचो, आज खरीदो कल बेचो, या फिर आज बेच के चलो कल उसको खरीदो, ये रणनीति ठीक नहीं है और बहुत लोगों को लॉस हो रहा है। तो बहुत ही सोच समझ करके जो सेक्टर इस समय ट्रेंडिंग में है उसको चुना गया है, वो है रियल्टी सेक्टर, और रियल्टी सेक्टर में जो फंडामेंटली कंपनी अच्छी लग रही है, चार्ट्स पर भी बेहतर है, उसको आपको जो है आप उसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 1710 का, अभी चल रहा है 1958 के आसपास। लक्ष्य क्या मिल सकते हैं? लक्ष्य मिल सकते हैं 2120 2150 तक के ऊपर के लेवल, यहाँ पर देखने को आपको आने वाले समय में मिल सकते हैं। नज़रिया छोटी अवधि का नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड इनिशिएट यहाँ पर ना करें, और ना फिर आपको हो जाएगी दिक्कत, यहाँ पर है मध्यम अवधि का नज़रिया। मैम, आज की इस चर्चा में आप जुड़ी, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोज़र आपकी तरफ धन्यवाद। से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, पर हम एक पीएमएस चलाते हैं हेम पीएमएस के नाम से, हो सकता है कि हमारे पीएमएस की होल्डिंग में इनमें से कोई स्टॉक हो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, और इतने देर तक दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए, और आईपीओ बाज़ार पे बात करने के लिए। कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त तो हो गया है, और बाज़ार की स्थिति का भी एक बार जाते जाते भी जायज़ा ले लेते हैं। दबाव कम होने का नाम ले नहीं रहा है, और अब 189 पॉइंट नीचे निफ्टी इस समय देखने को मिल रहा है, फिर से इंट्राडे लो की तरफ बढ़ता हुआ, 24,569 का जो लो था, और अब जो है फिर से एक बार 591 का लेवल देखने को मिल रहा है। चलिए, आप लोग बाज़ार पे नज़र बनाए रखिए, और मनी9 के साथ साथ बने रहिए, और कल 1 बजे जब मिलते हैं, देखते हैं कुछ परिवर्तन इस स्थिति में आता है, या विदेशी ऐसे ही बिकवाली कर कर करके जाते रहेंगे। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जिनके सवाल नहीं ले पाए हैं उनसे माफ़ी चाहेंगे, लेकिन कल कोशिश करेंगे कार्यक्रमों को शामिल करें, और कल मिलकर के फिर कोई दूसरी रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं। कल हमारे साथ होंगे अंशुल जैन जी, तो उनके साथ जो है अगर आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, तो कल जुड़िए 1 से 2 के दौरान हमारे साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, मनी9 के साथ बने रहिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।